हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वीके विद्यार्थी शो में। आज हम झारखंड के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से हिंदुस्तान पाकिस्तान के सन 1971 के युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसने दुश्मनों को निस्तनाबूद कर दिया था और देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस वीर योद्धा को मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस झारखंड के वीर सपूत का नाम है लांस नायक शहीद अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का और मां का नाम मरियम एक्का था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सीसी स्कूल पतराटोली से की थी और माध्यमिक परीक्षा भीखमपुर मिडिल स्कूल से पास की थी। उनका जन्म स्थल जरी गांव चैनपुर तहसील में पड़ने वाला एक आदिवासी क्षेत्र है जो झारखंड राज्य का हिस्सा है। अल्बर्ट की दिल्ली इच्छा फौज में जाने की थी जो दिसंबर 1962 को पूरी हुई। उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया और बाद में जब 14 गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ स्थानांतरित कर दिए गए। अल्बर्ट एक अच्छे योद्धा के साथ साथ हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। उनके अनुशासन का ही प्रभाव था कि ट्रेनिंग के दौरान ही अल्बर्ट एक्का को लांस नायक बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की। पाकिस्तान की यह 1971 की लड़ाई जिसमें पाकिस्तान ने अपना पूर्वी हिस्सा गवाया, जो कि पाकिस्तान की आंतरिक समस्या का नतीजा था। भारत के विभाजन से बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूर्वी पाकिस्तान जाहिर है बंगाल बहुल क्षेत्र था, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल उर्दू भाषी सत्तारूढ़ थे और उनकी सत्ता का केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान में था। इसी स्थिति के कारण पूर्वी पाकिस्तान सत्ता की ओर से अमानवीय और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का शिकार हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब 7 दिसंबर 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने के नेता शेख नजीबुर रहमान को भारी बहुमत मिला तो पश्चिमी सत्ता हिल गई। उस समय 14 गार्ड्स को पूर्वी सेक्टर में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में पाकिस्तान की रक्षा पंक्ति पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन ने इस जगह की पोजीशन मोर्चाबंदी बहुत मजबूत कर रखी थी। भारत के लिए इस जगह पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक था क्योंकि अखौरा पर कब्जा करने के लिए उसका काफ़ी महत्व था। लांस नायक अल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चे पर गंगा सागर में दुश्मन की रक्षा पंक्ति पर हमला के दौरान ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स बटालियन की वाई कंपनी, जो कि फॉरवर्ड कंपनी थी, उसमें तैनात थे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सैनिकों पर लाइट मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहे हैं। उनका धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने अकेले ही पाकिस्तानी बंकर पर धावा बोल दिया। उन्होंने बंदूक से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मशीन गनें खामोश हो गई, लेकिन इस कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। किंतु इन्होंने इसकी चिंता नहीं की और अपने साथियों सहित आगे बढ़ने लगे। शत्रु के अनेक बंकर नष्ट करते हुए वह पाकिस्तानी बंकरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। किंतु हमारे सैनिक अपने लक्ष्य के अनुसार उत्तरी किनारे पर पहुँचे ही थे कि पाकिस्तानी के सैनिकों ने एक सुरक्षित भवन की दूसरी मंजिल से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस गोलीबारी में हमारे कुछ सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और बाकी आगे नहीं बढ़ सके। एक बार फिर से अल्बर्ट एक्का ने साहसिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घाव और जख्मों और दर्द की चिंता नहीं करते हुए रेंगते हुए उस भवन तक जा पहुंचे और धीरे से उसके पास बने बंकर के एक छेद से हथगोला दाग दिया, जिससे एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और दूसरा घायल हो गया। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी मशीन गनें गोलियों की बौछार लगातार कर ही रही थी। उनके लक्ष्य के उत्तरी छोर पर पाक शत्रु दल द्वारा एक 2 मंजिला मकान से एक लाइट मशीन गन द्वारा लगातार अंधाधुंध गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे रेंगते हुए दुश्मन के उस 2 मंजिले मकान तक पहुंचकर एकाएक उस बंकर के एक छेद से दुश्मनों पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। हैंड ग्रेनेड फटते ही दुश्मनों के बंकर के अंदर खलबली मच गई। इसमें दुश्मन के कई सैनिक मारे गए, पर वो लाइट मशीन गन अभी भी चल ही रही थी, जिससे भारतीय सैनिक दल को खतरा बना हुआ था। अल्बर्ट एक्का बंकर में घुसकर दुश्मन के पास पहुंचे और अपने बंकर के बैनेट से वार कर दुश्मन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
इससे दुश्मन और उनके लाइट मशीन की आवाज़ एक साथ बंद हो गई, मगर इस दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कारण कुछ ही पलों में अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए और वीरगति को प्राप्त कर गए। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अल्बर्ट एक्का वीरता, शौर्य और सैनिक हुनर का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अपनी यूनिट के सैनिकों की रक्षा की और इस अभियान के समय वो काफ़ी घायल हो गए थे और 3 दिसंबर 1971 को वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। भारत सरकार ने इनके बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत सैनिकों को दिया जाने वाला उच्चतम पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया था, मगर आज हम इस वीर योद्धा की शहादत को भूल गए हैं। हम अपने झारखंड के उस लाल की कहानी, जिसने अपनी देश, अपनी मिट्टी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, उसकी वीरता याद नहीं। आज हमें ज़रूरत है हमारे वीरों की गाथाओं को याद रखने की और अपने आगे की आने वाली पीढ़ियों को बतलाने की, ताकि वो जान सके कि झारखंड की पावन भूमि खूबसूरत जंगल ही नहीं, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और अल्बर्ट एक्का जैसे वीर भी पैदा करती है। सलाम है उन सभी वीरों को जिन्होंने अपनी माटी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।